उंड सो गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक है किस एज में आऊगी आपकी शादी ओके वट एज यू विल मैरी ओके तो गाइज आपको आपका पायल चूज करना है यहाँ पर दो पायल्स हैं आपके नेम अनिशियल्स के अकॉर्डिंग वो नेम अनिशियल्स जो आपके ऑफिशियल नेम अनिशियल्स हैं ओके okay जी सो so, यहाँ पर आप अपना पायल चूज़ कर सकते हो पायल वन एंड पायल नंबर टू सो so, यस yes, और जो लोग एन पायल चूज़ करते हैं आपके लिए मेरे पास दो तो ब्यूटीफुल से फैदर्स हैं पायल नंबर वन ये फ्रेश ग्रीन एंड पायल नंबर टू बेबी पिंक ओके सो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं आई विल सू एन योर रीडिंग आपके टाइम्स टाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर हाई लो ब्यूटीफुल पायल नंबर वन आपने पहला नंबर का पायल चूज़ करा था तो आपकी रीडिंग है ये सो प्लीज़ स्टे काम स्टे पॉजिटिव ओके सो आपकी रीडिंग हम देखने लगे हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू ब्यूटीफुल पायल नंबर वन शादी का आपका कौन सा यूसी लाइफ फेज होगा कौन सी एज होगी सो ग्रुप नंबर वन के पास है थ्री ऑफ फायर ओके जी ये है थ्री ऑफ फायर थ्री ऑफ एयर इंट्रस्टिंग क्वीन ऑफ एयर भाई सबसे पहले पायल नंबर वन देखो आप लो काफी, आ, काफी लोग काफ़ी सी काफ़ी लोगों तो ऑफकोर्स जनरल रीडिंग ही होगी तो जो आपसे रेजोनेट हो आपने उसी को बस यू नो लेना है बाकी को आपने छोड़ देना है जाने देना है ओके okay? सो so, यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है ग्रुप वन के लिए दैट इज़ कि मे बी पाइल नंबर वन के लोग आप लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो ठीक है यहाँ पर यह हो सकता है कि आप उसमें बहुत अच्छे हो पढ़ाई में स्टडीज़ में या करियर ओरिएंटेड हो के बिकॉज़ योर करियर इज़ कॉलिंग यू दिस इज़ वट आई कैन सी ओके फर्स्ट ऑफ ऑल योर करियर इज़ कॉलिंग यू हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है ग्रुप वन वालों के लिए कि आपका ना कुछ ब्रेकअप हुआ हो ठीक है या आपको किसी ने छोड़ दिया हो या ये हो सकता है कि लिटरली यू नीड टू फॉर गेट एंड फॉर गिव ओके मतलब पेनफुल ब्रेकअप या जो भी वो इसी कारण हुआ है वो इसी वजह से हुआ कि गॉड या यूनिवर्सिस पे भी आप मानते हो Uh, आपको चाहते हैं कि आप एक नई दिशा में जाओ सी बिकॉज दिस यू सी दिस न्यू डायरेक्शन इज ऑल अबाउट के आप अपनी लाइफ में कितना फाइनेंशियल गेन कर सकते हो होके बिकॉज दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट थ्री ऑफ एयर लिटरली आपका दिल इसलिए तोड़ा गया है एक तो पहले आप अपनी वर्थ देखो ठीक है और लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना छोड़ दो ठीक है uh, हाँ uh, ये सब जानबूझ के किया है यूनिवर्स ने आपको और स्ट्रॉग करने के लिए और दूसरा ये कि आपकी एक जो आदत है ना कि आप जो हर एक पे ब्लाइंड ट्रस्ट शुरू कर देती हो हर एक को अपना मानने शुरू हो जाती हो विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन एंड विदाउट एनी यू नो स्टाफ के आम, ना किसी की जान ना पहचान तो लिटरली पता नहीं क्या वो ऐसे बोलते हैं ए से ना जान ना पहचान तू मेरा मेहमान पता नहीं, पत नहीं इस तरह से बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं आती है लेकिन मान ना मान तू मेरा मेहमान पत्नी इस तरह का ही रनो <laughs> इस तरह की आपकी हालत है लिटरली कि मतलब ज़बरदस्ती ना किसी को आपको पता होता है ना ये ना वो तो आप जा कर के जो है वो आम, जो बन जाते हो अगले के मेहमान राइट प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग आपकी जो सोल है इससे उसको बहुत ज़्यादा ढूंढ जाते हैं बहुत ज़्यादा उसको जख्म आते हैं और आपकी सोल अगर हील नहीं है न, ना तो मेरे बच्चे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो मैनिफेस्ट गॉड से कुछ भी नहीं ओके okay? बिकॉज आपके सोल का पावरफुल होना आपके सोल का स्ट्रेंथ में होना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए शादी हो गया करियर हो गया सक्सेस होगी एनी पॉजिटिव थिंग ओके तो पाइल नंबर वन सबसे पहले तो आप अपनी एजुकेशन पर आप पूरी पूरी आप जो है कंसंट्रेट करो ठीक है बिकॉज मुझे यहाँ पे ब्रॉड वाइब्स लग रहे हैं मे भी आप अगले ज़िंदगी में बाहर की कंट्री चले जाओ फॉर स्टडी पर्पस या फॉर वर्क जॉब पर्पस ओके okay? लेकिन बात यह है कि आ, हो सकता है आपका आपका प्रिंस चार्मिंग वहीं पर मिले अब्रॉड में ठीक है अब्रॉड में बहुत एक्सट्रीम चांसेस है फायल बन के आपका आपका प्रिंस चार्मिंग वहाँ पर मिल सकता है या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों में भी शादी करके बाहर चले जाएं बिकॉज़ और हो सकता है आप हायर एजुकेशन क्योंकि हायर एजुकेशन के बहुत मुझे नज़र आ रहा है एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर चले जाओ या शादी के बाद भी आप एजुकेशन लेते रहो बाहर जा कर के या फिर हो सकता है वहाँ पर बहुत अच्छी जॉब लग जाए आपकी बाहर की कंट्री में ओके सो तो अगर आप ये चाहते हो ना कि आपकी शादी अभी हो जाए एक दो महीने में तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे अभी मैं झूठ बोलूँगा आपसे पायल वन यू नीड टू बिल्ड योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल ओके बट फिर भी फिर भी लेट मी सी के वट इज़ नेक्स्ट फॉर यू हाँ बिकॉज यू सी थिंग्स कैन चेंज एनी टाइम लेट मी गेट सम इन फॉर यू कि आपके लिए और क्या है बी है सिक्स ऑफ एयर सॉरी सेवन ऑफ एयर हाँ देखा डिसीविंग योर ओन सेल्फ ख़ुद को धोखे में रखा हुआ है आपने फोर ऑफ अर्थ आपको अपना ना कि अपने आप खुद में किसी खुद को किसी बात के लिए धोखे में रखा हुआ है ओके ये धोखा क्या है लिटरली यहाँ तो आपको पता है यहाँ पर लिटरली आई डोंट नो लेकिन यहाँ पे कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको नहीं पता जो तो आपको पता होने चाहिए ठीक है यहाँ तो कोई आपको धोखा दे रहा है या कोई आपकी उसी गलत कोई कर रहा है लिटरली आपकी किसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहा है आई डोंट नो वट इज़ दैट थिंग बट या कोई ना कोई ऐसा है कि जो आपको चीट कर रहा है और आपको पता बिल्कुल भी उसका नहीं है बट फाइल नंबर वन लेट मी बी वेरी क्लियर आपकी सी मे भी आप हो इस तरह के हो कि आपको जो भी पार्टनर चाहिए आपको यूसी हाउस वाइफ बन के आपको रहना है एक बहुत ही अच्छी पत्नी बन के रहना है ये सब चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको कुछ और बात बताना चाह रही हूँ फाइल नंबर वन कि आपकी किस्मत में पत्ती तो है लेकिन उससे ज़्यादा आपकी किस्मत में खुद का कमाया हुआ पैसा और करियर है ठीक है अनटिल टिल एंड गॉड आपको इस तरह नहीं ना बना देते कि आप अपने पाँव पे खुद खड़े हो और आपको किसी के हाँ आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे और किसी से मांगना नहीं पाड़ा आंटी ने एनलाइस आप इस एनर्जी में नहीं आते ना मेरे बच्चे तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें इतनी जल्दी होंगी आपके लिए शादी की ओके क्योंकि आई डोंट नो मे बी आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए गॉड जाते हैं या फिर आप चोजन वन हो सकते हो जो भी चोज़न वन से हैं जब तक वो अपना लाइफ परपज़ पूरा नहीं करते उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ती है ठीक है तो आपका लाइफ परपज़ क्या है आपको पता ही होगा ठीक है तो बहरहाल आप अपने लाइफ परपज़ पर काम करें ठीक है जो वैसे तो इसकी एक पूरी एक रीडिंग होती है सी कम्प्लीट लेकिन फिर भी अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ ब्रीफली कैसे आपको पता लग सकता है आपका लाइफ पर्पज़ क्या है लाइफ पर्पज़ हर इंसान का वही होता है कि जो उसका पैशन होता है ठीक है हर काम हर प्रोफेशन हर चीज़ में आप किस कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो ह्यूमैनिटी की हेल्प कर सकते हो इन्वायरमेंट की हेल्प कर सकते हो उसको अच्छा बना सकते हो ठीक है तो आपका जो पैशन है फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का इन पैशन होता है कि भाई मैं पुअर की हेल्प करूँगा करूँगी मुझे बहुत ऐसी सैटिस्फेक्शन मिलती है किसी को इसी हेल्पलेस की हेल्प करने से वो उसका सोल मिशन होता है ठीक है कुछ लोगों को बीमारों की इसी सर्विस करने में उनकी सेवा करने में बहुत शांति मिलती है मन को उनका लाइफ परपज़ होता है उन लोगों को ज़्यादातर डॉक्टर नर्स इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए ठीक है यहाँ वैसे भी यू you नो know, वैसे भी कर किया जा सकता है लाजमी नहीं है कि आप प्रोफेशनल क्योंकि इसी मेडिकल कॉलेज इसमें अक्सर मैरिट और सब चीज़ें चलती हैं तो हर कोई नहीं है वहाँ पर जा सकता पहुँच सकता लेकिन आप वैसे भी रैंडमली भी कर सकते हैं इसके लिए कोई ज़रूरी तो नहीं पर डिग्री हो आ, वैसे भी ह्यूमनिटी की हेल्प की जा सकती है ओके okay? तो आ, ये जी चीज़ है ओके okay? तो आप अपने ना लाइफ पर्पज़ पर, पर जो है वो काम जो है आप करें बिकॉज आई थिंक योर अ चोजन वाइना बहुत डिफरेंट हो टू फायर देखो जैसे ही आप अपने लाइफ पर्पज़ पर काम करने लगोगे वही वो, वो दिन हो वही वो, वो वक्त वही वो, वो समय होगा वही वो, वो चीज़ होगी कि जब आपको आपका पार्टनर जो है वो मिलेगा ओके दैट वुड बी एग्जैक्ट दैट वेरी टाइम एन यू विल फाइंड योर पार्टनर ओके यस यहाँ पे है टेरा वार और नॉट रिली really कि आपको आपको पार्टनर मिलेगा दिस इज़ दिस फैमिली इज़ गोइंग टू बी वेरी हम्बल बहुत हम्बल है बहुत प्यार करने वाले लोग हैं दूसरी बात ये कि ये बहुत ही कंटेंटेड और रिवार्डिंग फैमिली है लिटरली आपको लगेगा कि भाई अच्छा हुआ मेरी शादी पहले नहीं हुई क्योंकि गॉड ने कहिए रखे थे लोग तो ओ माई गॉड आई एम आई एम आई एम सो ओके विद दिस फैमली ओके दूसरी बात है कि स्पेंड टाइम इन स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन स्परिचुअल टिचिंग सेल्फ डिस्कवरी मैंने आपको बोला है यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ ओके आप शादी के लिए अभी जल्दी मत करो नो मैटर वट एवर योर एज इज़ ठीक है मैं, मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग इधर होंगे थर्टी प्लस और लिटरली थर्टी फाइव फोटी किसान लिटरली यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ आपकी अपनी सोल व है आप क्यों और किसी गलत इंसान के को लाइफ में ला करके और परेशानी क्रिएट कर रहे हो देखो शादी तो एक ही बार होनी है ना ठीक है सही बंदे से हो जाए बंदी से हो जाए तो अच्छा नहीं है लेटरली बाद में फिर वो झंझट है ना वो झंझट है मैं बताऊँ फिर डिवोर्स uh, फिर वो दे रहे नहीं है डिवोर्स फिर बच्चे अगर हो जाएं तो फिर और भी ज़्यादा यू नो तो पहले ही सोच समझ करके फैसला लें जल्दी बिल्कुल ना करें पार्लियामेंट में आपको यही सजेशन दूंगी यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एस ऑफ आयर देखो यहाँ पे गॉड का ये मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का कि ये जिनको जो भी जिस जिस जिसका जितना भी पैशन होता है उनको अपने जो भी अपने पार्टनर से जितनी भी मोहब्बत करता होता है ठीक है वो टैम्प्रेरी होती है वो बहुत जल्द फेड आउट हो जाती है ऐसा फायर ओके okay? तो ये टैंप्रेरी खुशियों के लिए आप अपनी परमानेंट खुशियों को सैक्रिफाइस मत करो आपके अपनी कमाने की एबिलिटी आपका अपना करियर ये अपने आपकी अपनी परमानेंट चीज़ है आपके अपने हाथ में है कोई और दूसरा इंसान आपके हाथ में नहीं होता जितना मर्ज़ी आप समझ लो ये सब शादी से पहले की बातें हैं कि भाई ये वो मैं हाथ में कर लूँगी मैं इतना प्यार दूँगी मैं ये कर लूँगी वो कल भाई आपकी किस्मत है अगर आपको अच्छा मिल जाए इंसान ठीक है ना ये सबको जो बुरे लोग मिल जाते हैं बेचारे वो कोई हम वो कोई बुरे लोग होते हैं वो भी अच्छे होते हैं लेकिन इट्स ऑल ले अबाउट लक लेकिन आपको अपनी लक पहले खुद बना लो जो अपने हाथ में है वो कर लो मैं आप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मुझे पता है कि आपको कितनी अच्छी ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है आप कितना खुद कमा सकते हो आपको परवाह भी नहीं होनी किसी की या कोई मुझे खर्चा दे या ना दे मैं बच्चों को कैसे पालूंगी ये वो सही तो फट देखो पैसे पैसा निकल रहे हैं मैं इस पर इसलिए आप पे बोल रही हूँ ऐसे वो लोग जो कि यू नो एजुकेशन नहीं आ, आ, हासिल कर रहे हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर आ, आ, मतलब कोई कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं जाते किसी कारण नहीं जा सकते जो भी है आप पता क्या करो कोई काम स्टार्ट कर लो घर में घर में या जो भी आपके पास फैसिलिटी छोटा सा भी चाहे छोटा सा भी घर में कुछ पका के आप सेल कर लो या वट एवर लेकिन डू समथिंग आपकी किस्मत में बहुत पैसा है आपके आपकी किस्मत में वो है बिज़नेस बिजनेस वही कल को आपको लाखों कमा के देगा बिजनेस ठीक है आई नो शादी बहुत ज़रूरी है वक्त पे बच्चे होने ज़रूरी है लिटल या आंटीज़ जो है ना महल्ले के बहुत आने देती है बच्चों के टाइम निकला जा रहा है तुम बुढ़ी हो गई हो तुम माई बन गई हो ये है वो है लिटल जस्ट जस्ट लिटल हर एक की लाइफ जर्नी और होती है ठीक है आपको किस्मत में बच्चे हैं आपकी फैम पूरी फैमिली है और जो है ना गॉड को भगवान को ना कुछ ज़रूरत नहीं है कि अभी इतनी है जो तो मैं बच्चा दूंगा ठीक है ना वो मेरेकल्स है मेरेकल्स का गॉड है वो आपको सौ साल की उम्र में भी दे देगा अगर उसने देना और अगर उसने नहीं देना तो आप चाहे अपनी शादी सोलह साल की करवा लें गॉड नहीं चाहे तो ले दिखा दें फिर बच्चा कोई फेथ भी चीज़ होती है ठीक है फेथ से क्या नहीं क्या नहीं हो जाता फेथ से सारे मेरे गल फेथ से होते हैं ठीक है तो पहले कि गॉड ये चाह रहे हैं कि आप करियर बना रहे तो कोई वजह होगी वजह होगी आपको बाद में समझ आएगी तो जल्दी मत डालें अदरवाइज यू विल अट्रैक्ट अ कार्मिक पार्टनर वो नहीं जो ये गॉड ने आपके लिए रखा है वो वाला नहीं वो तो उसने तो अपने समय पर ही आना था जल्दी चाहिए तो फिर वो कोई और किसी और के साथ ट्यूनिंग हो जाएगी आपके लिटरली वो फिर मनीपोलेशन और सब चीज़ें फाइव ऑफ एयर यू सी अभी मैंने कार्मिक की बात की है साथ ही इट्स एन अनवाइज चॉइस फाइव ऑफ एयर फाइव ऑफ़ सोर्स सही है तो अच्छा एक और बात आपने अब ये नहीं सोचना कि आप तो मेरी शादी डिले हो गई आप तो पता नहीं कब होगी होगी मैं नहीं होगी मैं कमारी मर जाऊँगी मार मर है इट्स नॉट लाइक दैट मे बेबी ओके अगर आप ज़्यादा वरीड हो तो लेट मी चेक आउट द टाइम लाइन ठीक है क्योंकि आई नो काफ़ी छोटे भी <laughs> होते हैं लाइक like पीअर्ड्स मेरे जो कि जल्दी परेशान हो जाते हैं इतने बेच नहीं होते हैं ठीक है तो मुझे सबको देखना पड़ता है लेट मी सी क्योंकि इतनी भी देर नहीं है मैं ये नहीं कह रही आपको दस साल लग जाएंगे पंद्रह साल लग जाएंगे लिटरली राइट लेकिन आई लेट मी चेक आउट कि फिर भी कितनी देर है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस ओके अगेन सक्सेस इज़ कमिंग ठीक है ये आप चेक कर लो कितनी हाई लेवल की आपके पास सक्सेस है और आप में से कोई अगर है ना किसका ऐसे गोल गोल है कि मुझे मैं लीनियर बनना है या मुझे फ्यूचर भी लीनियर बनना है यू आर ऑन योर वे बेबी यू आर ऑन योर वे देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ओके सो हाँ बात यह कि टैम लन कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस न्यू मून इन ले देखो एनर्जी एंटर होगी भी आपकी ज़िंदगी में शादी की ओके क्योंकि यू आर ऑफ़ एज ऑफ कोर्स हाँ तो एनर्जी एंटर होगी न्यू मून इन अबाउट यू नो ली वॉज ऑल अबाउट लिटरली स्ट्रेंथ एंड इसका प्लानट भी काफ़ी लिटरली समटाइम्स ये मर्करी में समटाइम्स उस, जूस उसमें मार्स में ये ट्रांजिट होता रहता है इसकी चीज़ें लेकिन स्टिल दिस इज़ ऑल अबाउट सी जर्नी जब लाइफ जर्नी की जो स्टार्ट हुई है आपकी ओके okay? तो चांदी की जो आपकी uh, एनर्जी है वो आपको आपकी लाइफ में एंटर हो गई है वो और बात है कि अभी वो uh, उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं है अभी 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 मतलब एक महीना दो महीना मैं छः महीने की हद हाँ से ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि इसी एनर्जीज कैन शिफ्ट होल्ड योर विज़न देखा वही अपने विजन पर काम करो अपना अपना मकसद मत छोड़ो लाइफ का पर्पज़ अपना जो जो भी आपका है गोल फिक्स्ड मून फिक्स्ड पीरियड लक इज ऑन योर साइड न्यू मून इन सैजिटेरियस ठीक है आपको आपके करियर में लक जो है वो फेवर करेगी पता नहीं क्यों मुझे ट्यूशन कभी गलत नहीं है लेकिन पायल नंबर वन अगर आप अभी सुन रहे हो और आपका और आपके जो नेम अनिशियल है अगर आर एस एस टी टी ओ डब्ल्यू ए आर एच यू एफ ये वाले अगर आपके नेम अनिशियल्स हैं और ए भी या तो आई थिंक आई थिंक विद इन नेक्स्ट सिक्स टू एट ईयर एट मंथ्स सिक्स टू एट मंथ्स यू आर गोइंग टू अर्न ही मनी ह्यूज ह्यूज मनी ठीक है और इसी दौरान ही आपके पार्टनर आपको मिलेंगे हो सकता है आपके करियर का किसी न किसी तौर कनेक्शन हो आपके पार्टनर के मिलने से ओके सो दैट्स वाई आपको करियर की तरफ तो ज़्यादा पुश किया जा रहा है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम देखा मैंने आपको वही बोला है कि ये एनर्जी है एनर्जी आ रही है और लिटरली दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू ठीक है शादी का समय आ रहा है लेकिन बहुत नज़दीक नहीं है मतलब मैं छः महीने की गान बोल रही हूँ छः महीने तक चांस नहीं क्योंकि आपको अपने करियर पे काम करना है शो द वर्ल्ड द रियल यू देखा आपसे गॉड बहुत बड़े बड़े काम करवा रहे हैं करवाने जा रहे हैं लिटरली बिगेस्ट ऑफ़ द थिंग्स टेक टाइम टू ब्रीथ आउट लेकिन काम करते करते बर्नआउट भी नहीं हो जाना ठीक है और फेथ रखना है सो आई बिलीव पाइल नंबर वन अगर तो आप लेट ट्वेंटीज़ में हो एज में क्योंकि तो ये एज की टॉपिक था अगर तो आप लेट ट्वेंटीज़ में हो मतलब ट्वेंटी सिक्स प्लस हो सेवन एट नाइन इस तरह तो तो आपकी शादी मैं तीन साल हो सकते हैं ढाई से तीन साल ठीक है ये मैं शादी के वो बता रही हूँ जब शादी होगी रिश्ता पहले भी तय हो सकता है आई एम नॉट अबाउट कि रिश्ता कब होगा या आपको ये पर्सन मिलेगा कब उसके लिए आप कोई और रीडिंग देखें मेरे चैनल पे जाके कि वैन विल यू मीट योर पर्सन मीटिंग की बात नहीं मैं शादी की बात कर रही हूँ ठीक है कोई पता नहीं कि आप लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो जाओ कि आप उसको खुद ही कहो कभी मैंने अभी शादी नहीं करनी मुझे अभी ये मेरा काम चल पड़ा है तो मैं अभी इस पर फोकस करूँगी मैं ठीक है तुम इंगेजमेंट कर लो तो शादी में अभी ज़रा ठहर जाओ ठीक है आपके अपने वर्ड्स होंगे अपने शब्द होंगे आपके तो दिस इज़ आई हाउ आई कैन सी और अगर आप लिटरली अर्ली ट्वेंटीज़ में हो ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो भी आपको वेट करना पड़ेगा कर डेढ़ दो साल एटलीस्ट करें और अगर आप थर्टी हो थर्टी ब्लास्ट लाइक थर्टी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन तो आई थिंक वन ईयर तो आप अपने ऊपर लगाओ छः महीने से साल तो आप अपने ऊपर लगाओ और शादी की थोड़ी ख्वाहिश को परे रखो ठीक है सो यू कुड मैनिफेस्ट योर मैरिज एंड दैट्स इट फॉर टुडे पायल नंबर वन आई होप आपको कुछ समझ आया है मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी ओके आप निराश नहीं होना आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग इन योर केस राइट एंड या ठीक है बेबी बाय बाय सो लो फाइल नंबर थी हो case, right? yeah. care, Bye -bye. So, allow, allow, अगर आपने सेकेंड वाली ऑप्शन चूज करी थी तो लेट्स सी वट इज एज ऑफ योर मैरिज ओके एम वट एज यू विल मैरी ओके जी आपके पास है यहाँ फोर ऑफ एयर और है यहाँ क्वीन ऑफ अर्थ वट एज यू वि मैरी सिक्स ऑफ अर्थ सबसे पहले पायल नंबर टू यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है मुझे दैट इज अबाउट योर एजुकेशन अगर तो आप अभी लाइफ के उस फेज़ में हो कि आप एजुकेशन अभी ले रहे हो अभी आप पढ़ रहे हो स्टडी कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लीट योर स्टडीज़ ओके कंप्लीट योर स्टडीज़ और लिटरली आप कुछ कमाने लाइक like बन जाओगे आपको जॉब मिल जाएगी ठीक है दैट इज़ टाइम कि जब आपकी आपको आपका पार्टनर मिलेगा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शादी एट ठीक है शादी की अभी बात नहीं करी अभी मैं बात कर रही हूँ कि विद द टाइम एंड यू वुड मीट दैम ओके okay, वे जब आप उनसे मिलेंगे सो so, यहाँ पर ये चीज़ है पायल नंबर टू की कि आप मे बी मे बी यू वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट मे बी मे बी राइट ना मे बी आप हो सकता है अपनी पढ़ाई से भी फायर गोव्य हो फ्री हुए हो ठीक है या आपने रिसेंटली डिग्री कम्प्लीट की है की हो ठीक है वो भी एक समय है वो भी एक टाइम फ्रेम होगा कि जब आपको रिश्ता कोई प्रॉपर अच्छा आएगा और आपकी शादी हो सकती है एग्जैक्ट टाइम व्हेन यू वुड एंड योर स्टडीज़ जब आप एग्जाम देने के बाद हम फ्री होते हैं ना रिज़ल्ट का वेट कर रहे हुए होते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम लाइक लेटरली आई जस्ट सो ऑल्सो विद सेवन ऑफ वाटर टू ऑफ वाटर अच्छा आप आईल टू पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको एक नहीं बल्कि आपको बहुत सारे रिश्ते दिखाए जाएंगे ठीक है आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और बहुत सारे लिटरली आ, लोगों से हो सकता है आप मतलब रिश्ते आप सारे लोग कनेक्ट होना चाहें ठीक है और उन्हीं में से ऑफ़ कोर्स एक आपका सोलमेट होगा उसकी तरफ से भी रिश्ता आएगा ठीक है टू ऑफ़ वाटर ये भी हो सकता है कि आप ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ ना कनेक्शन में जुड़ जाओ ठीक है तो आप किसी से प्यार हो जाए या आपका कोई बॉयफ्रेंड हो ठीक है तो उनको भी कंसीडर करेंगे आपके पेरेंट्स आई डोंट नो आपके पेरेंट्स कैसे हैं आपको अलाउड है या नहीं अलाउड है वट एवर द केसेस लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम चांसेस हैं कि आप और आपके स्पाउस जो हैं पहले कनेक्शन में रहेंगे रिलेशनशिप में रहोगे ठीक है रिलेशनशिप ना सही लेकिन ये लव मैरिज होगी ठीक है जस्टिस काफ़ी शादी के समय अब मुझे लगता है कि आपका एजुकेशन कम्प्लीट होगी आप अच्छे जॉब पर हो गए अब आप लोग बहुत सारे हो आयरन हो कौन अपनी लाइफ में किस फेज से गुजर रहा है अभी कुछ लोग अभी पढ़े होंगे कुछ लोग अभी जॉब करते होंगे कुछ लोग कुछ भी नहीं करते होंगे राइट हाउस में हों घर हाउस वाइफ लाइक उनको बनना है लिटरली इट इज़ अ टाइम ऑफ योर लाइफ कि जब आप बहुत बिजी हो गए ठीक है बहुत बिजी हो गए काम में यस एग्जैक्टली टेन टेन ऑफ मे भी आप काफ़ी अच्छा कमा रहे होगे उस समय काफ़ी अच्छी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेहतर होगी शादी के समय जो एज इज़ ऑल्सो लाइक ओ मैंगाश फाइल नंबर टू सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आई डोंट थिंक सो यू एव मेड फॉर जॉब थिंग मुझे नहीं लगता कि आप जो जॉब शॉप इतना करोगे आप शायद अपना कोई बिजनेस करोगे बिकॉज दिस इज़ बिजनस होगा दिस इज़ लरली लाइक like, कि जब आप बिजनेस करोगे लिटली यू आर मेड फॉर डूइंग समथिंग एट योर ओन आप बॉस हो लेडी बॉस जेंट्स बॉस जो भी आपके जेंडर हैं ये गोइंग टू बी दॉस ऑफ योर बिजनेस ओके सो शादी के समय यही है एट ऑफ ऑम ऑफ बिजनेस वाइफ इज कमिंग और आपका जो ये नहीं तो वो आपकी जिंदगी का फेज जब आप इन्जॉय कर रहे हो गए अपने पैसों को और आपको काम करने में मज़ा आ रहा है क्योंकि आपका जो बिज़नेस है वो आपको बेनिफिट देगा पैसे दे देगा कमा के राइट दैट इज़ द टाइम टू अ फायर अगेन दिस इज़ द कंटिन्यूएशन दिस इज़ द लिटरली द थिंग कि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ बढ़ना बढ़ोगे ठीक है ये भी हो सकता है कि, कि आपका जो बिज़नेस है आपके पति जब आपकी शादी हो जाए उनके साथ तो वो भी आपकी हेल्प करें इसको आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा हाई है चांसेस हैं इस चीज़ के क्योंकि टू परसन आर कमिंग फॉरवर्ड ओके ये बिजनेस किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का हो सकता है या ब्यूटी सलून कुछ रिलेटेड टू सम फैशन डिजाइनिंग या ज्वेलरी मेकिंग आई डोंट नो लेकिन समथिंग टू डू विद फैशन या कपड़े ज्वेलरी जूते हेयर एक्सेसरीज कलर्स अर्न हो समथिंग टू विथ कलर्स में भी पेंटिंग्स कुछ इस तरह सा कुछ इस तरह का काम होगा आपका हो सकता है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग भी आप करते हो तो योर पर्सन इज़ ऑल्सो कम इन ऑफ शेयरिंग एंड हेल्पिंग यू सेवन ऑफ इयर एक बात मैं आपको बताऊँ पहले नंबर टू आपको ना दिख नहीं रहा कुछ लेकिन जो कुछ होना है लिटरली यू आर अनेबल टू सी वट एवर इज गोइंग टू हैपन ओके बहुत कुछ होना है और बहुत कुछ होने वाला है सो यस यू नीड टू सी दिस द वर्ल्ड एनर्जी वर्ल्ड एनर्जी इज अगैन पाए नंबर टू के आग का काम वर्ल्ड वाइड भी चल सकता है लाइफ एक्सपीरियंस जितना एक्सपीरियंस होगा उतना आपका काम चलेगा लेटरली नंबर वो आई थिंक ये हो सकता है कि आपकी शादी जल्दी हो जाए ठीक है हो सकता है आपकी शादी काफ़ी जल्दी हो जाए और आप दोनों को उस बिज़नेस को आगे ले करके जाओ क्योंकि मुझे ऐसे ही लग रहा है आपकी शादी ट्वेंटीज़ में होगी आपके ट्वेंटीज़ में जो भी आपके जाए नो ठीक है और अगर आप थर्टीज़ में हो ना स्टिल स्टिल बहुत जल्दी है लिटरली विद इन वन ईयर अगर आप थर्टीज़ में हो तो अगर ट्वेंटीज़ में हो तो चाहे ट्वेंटी नाइन ईयरस में हो लेकिन होंगे ट्वेंटीज़ में ही ठीक है पे जो कप्स hmm. बहुत ही मतलब लिटरली आपकी छोटी जा रही है शादी की मतलब एज बायोलॉजिकल एज नहीं मैं टाइम की टाइम फ्रेम की एज बता रही हूँ मतलब बहुत थोड़ा समय रह गया है गेट ऑफ फायर चीज़ें बहुत जल्दी होंगी लिटरली समथिंग इज़ कमन अप वेरी फास्ट अच्छा बायो लिमिट वो ये भी हो सकता है कि आपके पति को काम करते हो आपके हस्बैंड को काम करते हो ठीक है तो आप ही उनकी हेल्प करो शादी के बाद बिकॉज मुझे लगता है दोनों कपल ना कपल में दोनों काम कर रहे हैं लिटरली अर्निंग और सब चीज़ें ब्यूटीफुल एनर्जी एब स्टनिंग एनर्जी सो पाइल नंबर टू आई जस्ट वॉन्ट टू सी सम एग्जैक्ट टाइम फ्रेम यू विल मैरी ओके Through your fears, New Moon in Scorpio. इन स्कॉर्पियो न्यूमोन स्कॉर्पियो में लिटरली आपको हो सकता है कोई डर लगता है किसी चीज़ से यहाँ तो काम करने से आपको डर लगता है या हो सकता है आपको डर लगता है किसी के छोड़ जाने से या ये कि मेरा काम सक्सेसफुल होगा कि नहीं या ये कि मुझे कोई अपनाएगा कि नहीं शादी के लिए ठीक है तो आई डोंट थिंक सो डरने की ज़रूरत है इतनी आपको क्योंकि आप खुद ही लूसी Uh, खुद ही आप लाइन हो खुद ही आप शेर हो शेयर नहीं हो आई डोंट नो आई डोंट थिंक सो कि किसी ने आपको डर 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 डाला है इस चीज़ का किसी ने आपको नीचा दिखाया आई थिंक कभी तो आपका मोरल डाउन हो गया है ये टेस्ट है आपकी कमिटमेंट का ठीक है चाहे जितनी भी आपकी देर की सिंगल लाइफ है लेकिन आपको एक बात मैं आपको बता दूँ ये आपकी बेस्ट एवर लाइफ है सिंगल लाइफ इसमें आप बहुत कुछ जनरेट कर सकते हो बहुत कुछ बना सकते हो ठीक है ना लक इज़ ऑन योर साइड देखो लक और गॉड ये दो तो चीज़ें आपको कभी नहीं छोड़ने वाली ये आप अपने मन में अपने माइंड में बात बिठा लो ठीक है लक आपको आपको गॉड आपको कभी भी नहीं छोड़ने वाले एंड दिस इज़ फॉर श्योर और आप लकी हो के आपको ऐसी लाइफ मिली है देने जी इज़ गेनिंग मोमेंटम लेकिन जो आपकी लक है जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आपकी लक और इंक्रीज होती जाएगी यू वुड बी गेटिंग मोर लकी लकीर ठीक है ना डे बाय डे प्रोस्पेरिटी लाइज हैड लेकिन जो आपकी मैरिड लाइफ है ठीक है सिंगल लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लाइज हैड नो मोर इन टॉरस ओके तो आगे भी प्रॉस्पेरिटी है आगे भी लिटरली यू सी खुशियाँ हैं ओके अ न्यू रोमांटिक साइकिल पर हो सकता है कोई आपको अभी से ही पसंद करता हो नो इट्स नॉट फार कि कोई आपको पहले से ही पसंद करता हो दिस इज़ अ न्यू मोन लिपरा या हो सकता है रिसेंटली किसी ने आपको भी पसंद किया हो या अपनी uh, उसी आपको uh, प्रपोज करा हो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है ओके यू आर वेरी क्लोज़ टू अचीव योर गोल जी बी एस मोन ठीक है तो आई डोंट मैंने आपको बोला है पायल नंबर टू बहुत करीब है आपकी मैरिज ठीक है क्योंकि आप लोगों की एजेस लिटरली स्कैटर्ड होंगी बहुत डिफरेंट बहुत ही बड़ा स्पेक्ट में मुझे आपकी पर्सनल एज नहीं पता है ठीक है इसलिए मैं एग्जैक्ट आपको एज नहीं बता सकती मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अभी से कितना समय लगेगा ठीक है तो आई डोंट थिंक सो का एक साल से ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर जो भी टाइम फ्रेम है ठीक है ठीक <coughs> है सॉरी तो अगर आप तो अगर तो आप कुछ कर रहे हो ठीक है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप उसको आगे ले करके जाओ ठीक है और शादी के बारे में इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक सो so, आपको सोचना चाहिए अगर किसी चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए ना तो दैट इज़ योर वर्क योर प्रोस्पैरिटी ये सब चीज़ें ठीक है सो दैट इज़ थिंग फॉर आई कैन सी पाई नंबर टू लेट्स चेक आउट मोर ठीक है ना नट इज यू विल मैरी सो वट इज़ द एनर्जी आपकी शादी क्या एनर्जी है और फन या yeah, अभी आपकी चीज़ें प्रिपेयर नहीं हैं ठीक है थीके? आपको लिटरली मे बी मे बी ये हो सकता है कि लिटरली आप शादी आपकी जब हो तो आपकी तैयारी कंप्लीट ना हो ठीक है क्योंकि ये तैयारी कंप्लीट नहीं है मतलब मेरा मतलब है कि आ, दिस फिट बे सरप्राइज शादी आपकी ठीक है ना और आई कैन ऑलरेडी सी यू वॉज टूगेदर ठीक है ना अभी से ही मैं आप दोनों को इकट्ठा देख लूँ दिस इज़ टनिंग यू कैन सी दिस ओके सो आई थिंक पायल नंबर टू के थ्री डी में तो हो चुका है फाइव डी में आपका जूनियन ट्रीज़ ट्रीज इज़ ऑल अवर हीलिंग ठीक है तो हीलिंग इज़ कमिंग एवरी थिंग इज़ लिटरली जॉइनिंग लू फॉर देट एवरी थिंग हेल्थ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ पायल नंबर टू क्योंकि आपकी शादी बहुत गरीब है और अगर आपको कुछ हेल्थ वाइज कोई इश्यूज़ है तो उसकी आप ट्रीटमेंट uh, कर लें ठीक है कार्मिक रिलेशनशिप खैर कार्मिक रिलेशनशिप में तो अगर आप हो आई थिंक यू नीड टू लीव दिस पर्सन क्योंकि यू डिज़र्व मोर ये गॉड का मैसेज है ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए यू डिज़र्व मोर ओके फादर तो फादर का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी शादी में मे भी आपके फादर कोई रिश्ता ढूँढे या इस तरह का कुछ सीन हो सकता है हाई चांसेस हाई पॉसिबिलिटी अथॉरिटी फिगर्स ओके तो ये कोई अथॉरिटी फिगर भी हो सकता है कोई कोई जुडिशरी लॉ या एजिप्ट समथिंग टू डू विद ऑयल समथिंग टू डू विथ लिटली पेट्रोलियम ऐसा कुछ हो सकता है इनका बिजनेस काम या आपका हो सकता है फ्यूचर में सो ऑफ कोर्स बेबी इज़ कमिंग वेरी सोन सो अर्ली प्रेगनेंसी इज़ एक्सपेक्टेड पाइल नंबर टू में अर्ली प्रेगनेंसी इज एक्सपेक्टेड So let me see the numbers for you, beautiful. Anxiety. Anxiety ku chore. I think somebody is 18 years old. Yeah, teenage mein bhi. 18, 19, yeah, 16. Uh, I think you need to get out of your anxiety thing, okay? Anxious ni huna. Parishan ni huna. Everything is working out beautifully. वॉक इन अवे आपको किसी चीज़ को छोड़ के जाना है और आपको मन में पता है कि ये क्या चीज़ है ठीक है सम्बड इज़ ट्वेंटी सेवन ईयरस ऑफ एज ट्वेंटी सेवन या ट्वेंटी एट या ट्वेंटी फ़ाइव ठीक है यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम सर्टन थिंग्स फ्रॉम सर्टन पीपल या कुछ लोगों की आपको कंपनी छोड़नी है और आपको पता है क्या है और मुझे क्यों करना है डू दिस यस कॉन्ट्रैक्ट इज कमिंग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ कमिंग नेक्स्ट सिक्स मंथ आर इट हैल इम्पॉर्टेंट फॉर यू ठीक है अगले छः महीने सो मजिशन एंड द मेर बैलेंस योर एनर्जी ठीक है लोगों पे एनर्जी लगा करके अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो वर्क ऑन योर सेल्फ अच्छा इन गार्डन एंड मई गाज द मैरिज इज दियर सी हमें गोश मैंने वह दिस कार्ड इसका मैंने लाइक लिटली गार गार्डन एंड दी गेट ये वो कार्ड होता है कि जब लिटली आप गेट बाई हुई होती है चीज़ ऑल यू नीट डू ओपन द गेट गेट खोलना है बस लिटली दिस इज दिस इज़ हैपनिंग पै नंबर टू ओके सो थिंगस आर रीली नियर अगर आप मैनिफेस्ट करो तो आखिर में मैं आपके लिए एक कार्ट की तरफ से प्यारा सा मैसेज देख लूँ गॉड आई थिंक कुछ बोलना चाहते हैं आपसे सो so, लेट सी गॉड का क्या मैसेज है आपके लिए गॉड इज डना हाई प्रिस्टेस गॉड इज दाना कहती है कि यू हैव डिवाइन नॉलेज आपके पास डिवाइन नॉलेज है जो कि हेल्प कर सकते हैं दूसरों की थ्रू योर स्परिचुअल टीचिंगस हो सकता है आप हाई प्रिस्ट्रेस हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो हो सकता है आपको बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी मैनिफेस्टेशंस या स्पिरिचुअल आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो सकता है ठीक है दैट इज़ थिंग दैट इज़ द एनर्जी व्हेन यू डिज़र्व मच मोर देन यू नो ओके और आप लोगों को ये बात बताते हो कि आप लोग ज़्यादा डिजर्व करते हो जो आप जहाँ पे आप फंसे हुए हो तो आपका ये सोलमिशन हो सकता है ठीक है कि आप लोगों में जो है जानकारी फैलाएं इस चीज़ की तो यू नीड टू डू दिस थिंग गॉड सरस्वती है जी दी आर्ट्स ओके एक्सप्रेस योर एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़ ओके आपकी क्रिएशन आपका म्यूज़िक आपकी आपकी आप कुछ भी क्रिएट करते हो ठीक है आपको वो करना चाहिए जो कि आपका पैशन है चाहे म्यूजिक है डांसिंग है जो भी है ठीक है तो ये चीज़ें आपको काफ़ी आगे ले करके जाएंगी इसको आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते हो ट्रू लव ओ माई गॉड गॉड का एक और मैसेज है आपके लिए कि लिटरली यू डिज़र्व ट्रू लव ठीक है और गॉड यूनिवर्स आपको डिलीवर करने वाले हैं ट्रू लव ट्रू पर्सन एंड लिटरली ईच एंड एवरी थिंग सो ओबियसली दिस इज़ ए लिटरली रेडिश रेड रेड कार्ड है काफ़ी रेड कलर इसमें है पिंक रेड इट लिटरली रिप्रजेंट लव ब्यूटी एंड यू सी रोमेंस ही ये सब चीज़ है ओके सो दैट्स इट फॉर टूडे पाइल नंबर टू सी यू नेक्स्ट टाइम वे बी टेक केयर एंड बाय बाय